बांदा में आज समाज के लोगों द्वारा SC ST एक्ट प्लान को उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। बांदा में समाज के लोगों का कहना है कि बजट में SC ST के लिए 21% रुपया आता है, लेकिन वह गरीब जनता तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से बुंदेलखंड में पलायन हो रहा है। अगर SC ST सब प्लान लागू होता है तो गरीबों को उनका अधिकार मिलेगा। कई राज्यों में ये लागू भी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किया जाए, इसी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। जिस तरह कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना में SC ST सब प्लान को कानूनी दर्जा मिला है, उसी तरह इसे उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि SC ST सब प्लान बजट तो बनता है कानूनी तौर पर, मगर करोड़ों अरबों रुपया खर्च होने के बावजूद भी बुंदेलखंड में पलायन, भुखमरी, लाचारी, बेरोजगारी कम होने का नाम नहीं ले रही। और मैं SC ST सब प्लान अभियान मंच को उत्तर प्रदेश के संपूर्ण जनपदों को देखता हूँ। किस लिए आए हैं आज? हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं कि कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तराखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी SC ST सब प्लान योजना को कानूनी दर्जा दिलाया जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि SC ST सब प्लान बजट तो बनता है पॉपुलेशन के आधार पर 21%, मगर इतना करोड़ों रुपया, अरबों रुपये खर्च होने के बावजूद भी हमारे बुंदेलखंड में पलायन, भुखमरी, लाचारी, बेरोजगारी आज भी फैली है। और सरकारें ऐसा करती है कि 30% बजट जो है आम पब्लिक में खर्च होता है, 70% कारपोरेट में खर्च होता है। SC PK के बजट से बड़ी बड़ी नहरें बनाई जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं और मेट्रो बनाई जा रही हैं और जो है आपका सेक्सवे बनाई जा रही हैं, मगर ये पैसा जो गाँव के गरीबों के हितार्थ के लिए ये बजट बनाया गया था तो गाँव तक ये बजट नहीं पहुँच पा रहा है। इसलिए बुंदेलखंड के पलायन को रोकने के लिए और बेरोजगारी दूर करने के लिए इसको कानूनी दर्जा दिलाना आवश्यक है, ताकि इस बजट का सदुपयोग हो सके। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट, साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर, मंडी चौराहा, मथुरा।